During the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of आप देख रहे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर ये फैसले का दिन इसलिए है क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक उद्योगपति से पैसे लिए और उसके एवज में उन्होंने सवाल संसद में पूछा। आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल को आप देख रहे हैं और देखना यह है कि क्या कुछ आगे रिपोर्ट में सामने सदन में रखा जाता है। तो थोड़ी देर में महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट पेश होगी। लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अर्जुन राम मेघवाल अपनी बात रखते हुए कैश फॉर क्वेरी मामले में रिपोर्ट पेश की जानी है। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को व्हीप भी जारी किया था, यानी कि आज सबको रहना है लोकसभा में। और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पहले देरी से पेश हो रही है, इसको लेकर भी बवाल मचा था। लेकिन क्या महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाएगी या फिर बरकरार रहेगी, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन जबरदस्त हंगामा होता हुआ लोकसभा में नजर आ रहा है। यहाँ पर सांसद नारेबाजी करते हुए और स्पीकर उनको शांत करवाते हुए और अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है केवल, ये कह रहे हैं स्पीकर, और उसके बाद निर्णय लेना है। तो रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है और पेश होते ही जबरदस्त हंगामा हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इस हंगामे के आसार भी थे कि जैसे ही एथिक्स रिपोर्ट रखी जाएगी, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी, हंगामा जरूर होगा। 500 पन्नों की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है महुआ मोइत्रा को लेकर। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सवाल पूछने की एवज में एक उद्योगपति से पैसे लिए। इस बात को महुआ मोइत्रा ने भी स्वीकारा था कि हाँ, उनकी आईडी जो संसद की है वो लॉग इन की गई विदेश से, लेकिन वो लगातार ये कहते रहे कि पैसे नहीं लिए गए हैं। एथिक्स कमेटी आज अपनी रिपोर्ट रख रही है, रिपोर्ट में क्या कुछ रखती है वो देखना होगा। लेकिन आज महुआ मोइत्रा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और बहुत कम चांसेस हैं, जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं, कि उनकी संसद की सदस्यता बनी रहती है। क्योंकि ये संसद के नियमों का उल्लंघन है कि आप कभी भी किसी से पैसे लेकर इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन आर रखा जाता है संसद के अंदर। क्वेश्चन आर में होता है कि जो भी सांसद होते हैं वो अपने सवालों को रखते हैं संबंधित मंत्री से, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं। एक घंटे की अवधि मिलती है, उस एक घंटे की अवधि के अंदर वो संबंधित मंत्री से सवाल पूछते हैं। और यही महुआ मोइत्रा की ओर से किया गया। जिस दिन सवाल पूछा उस दिन पता नहीं चला, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर की ओर से यह कहा गया था कि उन्होंने सवाल जो पूछा उसके एवज में पैसे लिए। फिर निशिकांत दुबे इस मामले को सदन में उठाते हैं, एथिक्स कमेटी बनाई जाती है, उसमें पूछताछ होती है। और आज महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि दुर्गा माँ आई हैं। अब देखना यह है कि ये बच पाती हैं महुआ मोइत्रा या फिर नहीं। तो लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट पेश हो चुकी है एथिक्स कमेटी की। जैसे ही अब से कुछ देर पहले रिपोर्ट पेश हुई, जबरदस्त हंगामा हुआ। महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उन पर आरोप है कि उन्होंने जो विदेश में कारोबारी है हीरा नंदानी, उनसे पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे। निशिकांत दुबे शिकायत करते हैं, उसके बाद किस तरीके से खुलासे होते हैं एक एक करके। और आप देखें कि यहाँ पर स्पीकर शांत करवाते हुए तमाम सांसदों को, क्योंकि हंगामा यहाँ पर हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामा हुआ जैसे ही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद हंगामा होता है। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई है और लोकसभा सांसद है महुआ मोइत्रा, क्या उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी या फिर उनकी सदस्यता जाएगी, यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि स्पीकर ने कहा भी कि अभी तो सिर्फ रिपोर्ट पेश हुई है, उसके बाद फैसला होना होगा। लेकिन 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है और उसके बाद जब 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी फिर देखना होगा। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महुआ की, जब वो संसद पहुंचती है तो सुबह वो इसको महाभारत की लड़ाई बताती है। ये अपनी लड़ाई की तुलना महाभारत की लड़ाई से करती है और कहती है कि माँ दुर्गा आ गई है। उनका कहने का मतलब ये था कि माँ दुर्गा उनको बचाएंगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि महुआ मोइत्रा ने कई मौकों पर अपना बचाव किया था और उन्होंने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक महीने के अंदर ये सब कुछ होता है। 14 अक्टूबर को यहाँ पर शिकायत की जाती है, उसके बाद किस तरीके से खुलासे होते हैं और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, ये भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं कि आरोपों को गंभीर माना गया है जो महुआ मोइत्रा पर लगे हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को गंभीर माना गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हमें मिली है कि महुआ की संसद की सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि जो उन पर आरोप लगे हैं
वो बहुत गंभीर आरोप हैं। बतौर सांसद आप किसी से पैसे लेकर संसद में सवाल नहीं पूछ सकते। संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें सांसद जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता से जुड़े सवालों को पूछते हैं संबंधित मंत्री से। लेकिन अगर कोई सांसद पैसे लेकर सवाल पूछता है तो निश्चित तौर पर ये नियमों का उल्लंघन है, और इसी के चलते घेरे में है महुआ मोइत्रा, जिन पर निशिकांत दुबे ने यह आरोप लगाया था कि टीएमसी की ये सांसद एक उद्योगपति से पैसे लेती हैं और उसी पैसे की एवज में वो सदन में संबंधित मंत्री से सवाल पूछती हैं, जो सरासर गलत है। आप संसद में ऐसा नहीं कर सकते हैं। एथिक्स कमेटी बनती है, एथिक्स कमेटी महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब करती है और उसके बाद टीएमसी के सांसद कहते हैं, टीएमसी की ओर से यह मांग उठाई जाती है कि आप इस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को संसद के सदन पर रखिए, पटल पर रखिए, हम सुनना चाहते हैं और हम ये चर्चा देखना चाहते हैं। अब महुआ मोइत्रा को क्या आज मौका मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि 2 बजे तक के लिए सदन तो स्थगित हो गया है। आरोप बहुत गंभीर है और ये मैं आपको बता दूं कि जैसा आरोप उन पर लगा कि उन्होंने अपना जो आईडी पासवर्ड है वो एक उद्योगपति को दिया, वो विदेश से लॉग इन कर रहा है, उसके ठीक बाद में ये पूरा का पूरा नियम भी बदल दिया गया। अब कोई भी सांसद अगर अपना आईडी पासवर्ड लॉग इन करना चाहेगा तो उसके पास उसका ओटीपी आएगा, उसका ओएसजी तक उसका आईडी पासवर्ड लॉग इन नहीं कर सकता संसद।